السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد برادران إسلام सलात में होने वाली गलतियों की तरफ हम इशारा कर रहे थे बहुत सारे मुसलमान नमाज अदा करने के लिए निकलते हैं तो अपने लिबास का अजीब हाल बनाते हैं जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं या बनी आदब ब खुदोसी न कुल्ली मस्जिद क्या आदम की औलाद जब तुम मस्जिद की तरफ आओ तो जीनत अख्तियार करो इंसान अल्लाह तर में उसके हदूर पेश होने के लिए जब आता है तो उसको चाहिए कि बेहतरीन से बेहतरीन लिबास व इस्तेमाल करें मिसवाक करने का एहतमाम करें खुशबू लगाए ये सारी चीज़ें जीनत में दाखिल हैं लेकिन बहुत सारे मुसलमानों को देखा जाता है कि जो लिबास वो इस्तेमाल करते हैं बसा अवकात वो इतना तंग होता है इतना टाइट लिबास होता है कि जिसम के आवा के हदूद उससे जाहिर होते इस किस्म का तंग लिबास इस्तेमाल करना रुकू करने में तकलीफ होती है जब में जाना चाहता है, तो सजदा करने में तकलीफ होती है दोनों सजदों के दरमियान बैठता है सुकून और इत्मीनान उससे गायब होता है मेरे दोस्तों जिस लिबास को वो पहनता है अगर वो इतना तंग है कि नमाज के लिए उठते हुए रुकू में जाते हुए सजदा करते हुए दोनों के सजदों के दरमियान बैठते हुए अगर उसको तकलीफ़ महसूस हो तो ऐसी नमाज में खुशु कहाँ से पैदा होगा कहाँ से खुशु आएगा जो खुशु सहाबा में पाया जाता था जो खुशु तबाइन की नमाजों में पाया जाता था जो खुशु असलाफ के पास पाया जाता था ऐसा खुशु इस कस्म का लिबास पहनकर इंसान की नमाजों में कहाँ से पैदा होगा लचन दाइमा से सवाल किया गया जो सऊदी अरब की फतवा कमेटी है उससे पूछा गया कि अगर कोई तंग लिबास पहनकर नमाज अदा करता है तो उसके नमाज का हुक्म क्या है तो उस कमेटी ने फतवा देते हुए कहा कि अगर वो ऐसा लिबास इस्तेमाल करता है जिससे उसके आवा वाहिर होते हों, उसका सतर खुल जाता हो तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज बातिल हो जाती है बहुत सारे मुसलमानों को देखा जाता है तंग लिबास इस्तेमाल करते हैं कमीज बिल्कुल छोटी होती है जब वो सजदे में जाता है कि पीठ का कुछ हिस्सा और उसके सत्र का कुछ हिस्सा पीछे से ज़ाहिर हो जाता है फतवा कमेटी के केमा का कहना है कि अगर उसका सतर ज़ाहिर हो जाता है या सतर का कुछ हिस्सा ज़ाहिर हो जाता है खुल जाता है हालत नमाज में तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज बातिल हो जाती है बहुत सारे मुसलमान कमीज़ इतनी छोटी रखते हैं कि जब वो सजदा करते हैं तो हालत सजदे में कमीज़ ऊपर उठी हुई होती है और उसके शतर का कुछ हिस्सा खुल जाता है अगर वो इसी हालत में नमाज अदा करता है तो उसकी नमाज बातिल है मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों हमको सोचना चाहिए गौर वफ़िक्र करना चाहिए कि अगर हमको सजदा करते हुए अपनी सतर पोशी नहीं कर सकते तो हमारी नमाजें बातिल हो जाती हैं लिहाजा इस कस्म के लिबास को इस्तेमाल करने से एतराज़ करना चाहिए और अगर सतर ना खुले लेकिन इतना टाइट है कि उसके हदूद जाहिर हो रहे हैं आजा उसके जाहिर हो रहे हैं वाज हो रहे हैं उस लिबास में तो इसी सूरत में का कहना है कि ये उसकी नमाज मकर करार दी जाएगी मकरव शुमार की जाएगी तो जो चीज़ें नमाज को बातिल करने वाली हैं या कराहत जिससे जाहिर होती हो उन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए इसी तरीके से इतना बारीक लिबास पहनना इतना बारीक लिबास इस्तेमाल करना कि बारीक लिबास जिसम के आवा को अंदर से जाहिर कर रहा है इस किस्म के लिबास को पहनकर भी नमाज अदा करना सरफ पसंद नहीं किया करते थे बल्कि मुकम्मल ऐसा वो लिबास इस्तेमाल किया करते थे जो सदर को छुपाने वाले हों चाहे मर्द हो या औरत दोनों सतर को छुपाने वाले मोटे लिबास को ऐसा मोटा लिबास जिससे जिसम का कोई हिस्सा जाहिर ना होने पाए वाजे ना होने पाए इस किस्म का लिबास पहनकर नमाज को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए न कि ऐसा बारीक लिबास इस्तेमाल करें जिससे इंसान के जिसम के आवा जाहिर हो जाते हो वाजे हो जाते हों इस किस्म के लिबास से परहेज करना चाहिए इबने अमर रुमा ने अपने गुलाम नाफे को देखा कि वो एक ही लिबास पहनकर नमाज अदा कर रहे थे एक ही कपड़े में नमाज अदा करने की कोशिश कर रहे थे इबने अमर रज्ला उतला ने उनको अपने पास बुलाया कहा मैंने तो तुम्हें दो कपड़े दिए थे तुम एक ही कपड़ा पहनकर नमाज अदा कर रहे हो फिर सवाल किया पूछा क्या तुम इसी लिबास में अगर बाजार में तुम्हें जाने का हुक्म दिया जाए तो क्या बाजार के लिए इसी लिबास में तुम निकल जाओगे तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कहा जाए कि बाजार में इसी लिबास में चला जाऊं तो मैं बाजार में जाने से परहेज करूंगा मुझे शर्म आएगी कि बाजार में इस लिबास में मैं निकल जाऊं तो इब्ने रज़ी अल्लाह तआला नुमा फरमाते हैं कहते हैं जब अल्लाह ताला के तुम दरबार में आते हो जिस लिबास में तुम्हें लोगों के सामने जाने में शर्म महसूस होती हो ऐसा लिबास पहनकर रब के दरबार में आने से तुम्हें शर्म महसूस करना चाहिए शर्म आनी चाहिए लिहाजा हम मुसलमानों को इंतहाई टाइट कसम का लिबास तंग लिबास पहनकर नमाज पढ़ने से बचना चाहिए और ऐसा लिबास के सत्र उससे जाहिर हो जाते हो उससे भी परहेज़ करना चाहिए और इसी तरीके से इतना बारीक हमारा लिबास ना हो कि अंदर से जिसम के आदा ज़ाहिर होते हों इससे भी मुसलमानों को बचना चाहिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस किस्म का लिबास इस्तेमाल करके नमाज अदा करने से महफूज और मामून रखे जिससे नमाज बातिल हो जाती हो आमीन व आखिर अनिलहदुल्ल रबालमीन असलम आलैक्म वरम्तुल्लि वर्का